बंगाल में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। लगभग अब तक 4,401 से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आए हैं। वहीं डेंगू से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 8 है। राज्य सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कोलकाता नगर निगम डेंगू को तत्परता से कार्य कर रहा है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि डेंगू पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जा सके। वहीं दूसरी ओर डेंगू पर बीजेपी का प्रस्ताव लंबित रह गया। स्पीकर ने बीजेपी के वॉकआउट नारे को खारिज किया। भाजपा ने विधानसभा में मांग कर राज्य में बढ़ते डेंगू पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा और चर्चा कराई। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले विधायकों नाराज होकर सत्र से वॉकआउट कर दिया। वे बाहर आ गए और मच्छरदानी और मच्छर कटआउट के साथ हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। लगभग अब तक 4,401 से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आए हैं। वहीं डेंगू से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 8 है। राज्य सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कोलकाता नगर निगम डेंगू को तत्परता से कार्य कर रहा है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि डेंगू पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जा सके। वहीं दूसरी ओर डेंगू पर बीजेपी का प्रस्ताव लंबित रह गया। स्पीकर ने बीजेपी के वॉकआउट नारे को खारिज किया। भाजपा ने विधानसभा में मांग कर राज्य में बढ़ते डेंगू पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा और चर्चा कराई। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले विधायकों नाराज होकर सत्र से वॉकआउट कर दिया। वे बाहर आ गए और मच्छरदानी और मच्छर कटआउट के साथ हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now.